तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, और वो जो रॉड है जिसका लेंथ एल है और मास एम है, इज हिंज वर्टिकली। मतलब रॉड को मैं वर्टिकली रखा हूँ, और अगर मैं रॉड को वर्टिकली रखा हूँ तो अदर एंड उसको मैं खींच रहा हूँ सच द एंगल 60 डिग्री। देखो, अगर ये रॉड है, समझना, अगर ये रॉड है और ये रॉड यहाँ पर ऐसे वर्टिकल है, दिस इज द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द रॉड, एंड नाउ द रॉड इज पुल्ड अंटिल इट मेट एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। इस रॉड को धीरे धीरे स्लोली स्लोली पुल किया गया और ये एंगल जो थीटा है वो बन गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन, मतलब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस रॉड को यहाँ तक पुल करने में, ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस पूरे रॉड पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं पूरे रॉड पे, तो यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड थी 0 थी, क्योंकि स्लोली स्लोली पुल किया जा रहा है, और फाइनली जब एम यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ भी जो फाइनल स्पीड है 0, क्योंकि बड़े आराम से स्लोली स्लोली इसको पुल किया जा रहा है। तो अगर मैं इस पूरे रॉड पे वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, रॉड के बारे में सोचना, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज रॉड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, मतलब हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल 0, इनिशियल 0 है, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कौन कौन से फोर्स इस पर लग रहे हैं, देखो यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर लग रहा होगा, मान लो नॉर्मल एन एक्स इधर लग रहा है, एन वाई इधर लग रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो वेट है वो एम जी भी तो लग रहा है, इस पे रॉड पे वेट एम जी लग रहा है। तो और जो एक्सटर्नल एजेंट पुल कर रहा है, ये जो एक्सटर्नल एजेंट पुल कर रहा है वो भी तो एक फोर्स लगा रहा है। तो इस रॉड पे कुल मिला के 3 फोर्स लगने लगा, समझ रहे हो बात को। इस रॉड पे यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा और यहाँ पर वेट एम जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एक्सटर्नल फोर्स, 3 फोर्स लगने लगे, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों फोर्स ही कुल मिला के, इन तीनों का वर्क डन निकालने में अगर मैं सक्सेस हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल, ये जो वर्क डन बाय नॉर्मल है, उस पॉइंट का कभी डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, ठीक है, वर्क डन का इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा वो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय ग्रेविटी के इक्वल आ जाएगा। बात आ गया समझ में। तो जो ग्रेविटी है वो कहाँ लगती है, मिड पॉइंट पर लग रही है, तो इस लाइन पर ग्रेविटी लग रही है। फाइनली जब ये रॉड थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये जो पॉइंट सी जहाँ पर सेंटर ऑफ मास था, लट लग रहा था वी एम जी, वो नीचे थोड़ा सा, सॉरी, ऊपर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये जो सेंटर है वो ये एक्स राइज कर गया, ठीक है। तो वर्क डन बाई, अगर मैं ग्रेविटी निकालूँ एम जी, तो माइनस एम जी एक्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एम जी एक्स कॉस 180 दोनों वेक्टर के बीच एक कर, तो माइनस एम जी एक्स। तो एक्स निकाल लो अब यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट है और जो वेट है, जो एम जी है, वो सेंटर ऑफ मास पे लगती है, एल बाई टू। और अगर इस छोटे वाले से ट्राइंगल में देखोगे, इस छोटे वाले से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में ये ऐसे एक ट्राइंगल बना है, ठीक है ना, ये इस पॉइंट सी है जहाँ वर्ड है, तो ये भी तो एल बाई टू है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एल बाई टू कॉस थीटा। समझ में आया कुछ? फिर से देखो, यहाँ पर तुम देखोगे एक बार, फिर से देखो, ये इस वाले ट्राइंगल में, मैं इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल हाउ मच वी विल गेट, दैट इज दिस डिस्टेंस, हाउ मच दिस डिस्टेंस, आई वांट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ, इसमें एल बाई टू कॉस थीटा अगर तुम निकालोगे, तो ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी इस ट्राइंगल में, इन दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू, दिस इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच दिस डिस्टेंस, एल बाई टू कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पूरे में से, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, बात समझ में आ रहा, इस पूरे में से, इस पूरे में से
इतना इतना घटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे में से मैं ये निकाल देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखो हर टाइप के बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हर टाइप के बच्चे होते हैं तो मुझे हर बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है यार, और मैं बहुत शुक्र मतलब गुजार हूँ, मेरा चैनल चल तो नहीं रहा अभी, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बच्चों का प्यार जो है ना वो बहुत यूनिक है, तो मैं उनको बड़े दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, ठीक है ना। तो चलो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी l by 2 माइनस l by 2 cos थीटा, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा l by 2 1 माइनस cos थीटा। तो वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा माइनस वर्क डन, माइनस एक यहाँ से आएगा और वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो माइनस एम जी एक्स, ठीक है। तो कुल मिला के जो एक्सटर्नल एजेंट है वो पॉजिटिव वर्क करेगा एम जी एक्स, और एम जी एक्स की वैल्यू एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, ये वाली चीज़, ठीक है, दैट इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे एम जी एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, यही हमारा सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू दिया था, तो थीटा की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, तो एम जी एल बाई टू और वन माइनस कॉस 60, cos 60 कितना होता है बच्चों, तो एम जी एल बाई टू cos 60 जो होता है वो sin 30 के बराबर, एक में से आधा घटाओगे तो आधा बटेगा, तो ए आ जाएगा एम जी एल बाई फोर इज़ द फाइनल सोल्यूशन। तो अब देखो ऑप्शन मैच करो, इसमें से कौन सा मैच करता है, तो एम जी एल बाई फोर मतलब ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।